हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है टेनिस का इतिहास। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे KBS, NBS, TGT, PGT, LT का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं एंड सारी शिक्षा के इतिहास, खेलों की माप, इतिहास एवं नियम, सारी शिक्षा के महत्वपूर्ण संगठन, ओलंपिक अभियान, एशियन गेम, स्पोर्ट्स अवार्ड, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कॉमनवेल्थ गेम, किन्सियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स, सारी शिक्षा के सिद्धांत एवं खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, इन सब के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं डिटेल में, तो चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, चलिए जानते हैं टेनिस के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि इसका पुराना नाम लॉन टेनिस, इसको लॉन टेनिस भी कहा जाता है। लॉन का अर्थ होता है खुले घास के मैदान। यह खेल पुरुष व महिला वर्ग के लिए एकल, डबल एंड मिक्स डबल्स के रूप में खेला जाता है। लैटिन भाषा में इस खेल को टेनर एंड फ्रेंच भाषा में इसको टेनज बोला जाता है। इसका प्रारंभ फ्रांस में मध्यकाल में 12वीं-13वीं शताब्दी में हुआ। उस समय इसको इंडोर गेम के रूप में खेला जाता था एंड 17वीं शताब्दी में इसका पतन हो गया। फिर दोबारा से प्रारंभ इंग्लैंड के डब्ल्यू सी विंगफील्ड ने 1873 में इसमें सुधार करके किया। टेनिस का प्राचीन नाम ज्यू डी पाम है, जो पहले हाथों के पंजों यानी पॉम से खेला जाता था, इसलिए इसका प्राचीन नाम ज्यू डी पाम है। लॉन टेनिस इसका नाम पड़ा 16वीं शताब्दी में, क्योंकि यह घास के मैदान पर खेला जाता था, इसलिए इसका टेनिस नाम पड़ा 1920 में, क्योंकि फर्श के मैदान पर और मिट्टी के मैदान पर खेला जाने लगा। इसका प्रथम क्लब बना 1872 में लेमिंगटन स्पेन में। एंड पहली बार टेनिस कोर्ट का निर्माण किसने किया, तो 1874 में मैरी एविंग ने वाशिंगटन में ब्रिटेन की फौजी अधिकारियों को खेलते हुए देखकर, ये फौजी अधिकारी इसको ज़्यादातर खेलते थे पहले, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि पहली बार टेनिस कोर्ट का निर्माण किसने किया, तो 1874 में मैरी एविंग ने वाशिंगटन में ब्रिटेन की फौजी अधिकारियों को खेलते हुए देखकर। इसको दोबारा से प्रारंभ किसने किया था, तो इंग्लैंड के डब्ल्यू सी विंगफील्ड ने 1873 में इसमें सुधार किया था। एंड पहली टेनिस चैंपियनशिप की शुरुआत 1880 में अमेरिका में हुआ एंड फ्रेंच चैंपियनशिप 1891 में शुरुआत हुआ। ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की स्थापना 1913 में हुआ एंड इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। एंड नेक्स्ट है AITA ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1920, मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। दोस्तों, इंटरनेशनल एंड इंडियन एसोसिएशन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। एंड ITF एशियन टेनिस फेडरेशन, मुख्यालय न्यू दिल्ली भारत। WTA यानी वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1973 में हुआ, मुख्यालय इसका था, इसका है पिट्सबर्ग फ्लोरिडा यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट है ओलंपिक में टेनिस को शामिल किया गया 1896 में एंड 1924 में किसी कारण से इसको बंद कर दिया गया एंड दोबारा से इसको 1988 सियोल ओलंपिक में शामिल किया गया। एंड एशियाई खेलों में टेनिस को 1958 टोक्यो जापान में शामिल किया गया एंड इंडिया ने अपना प्रथम मेडल ओलंपिक में कब जीता, तो 1996 के अटलांटा
अमेरिका ओलंपिक में लियंडर पेस ने कांस्य पदक जीता था, और 1997 में राजीव गांधी एंड 1990 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित लियंडर पेस को किया गया। एंड सानिया मिर्जा को 2015 में राजीव गांधी एंड 2004 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महेश भूपति को 1995 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। एंड 2020 में अर्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? दिविज शरण को। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रथम अर्जुन अवार्ड टेनिस में किसको दिया गया? तो रामनाथन कृष्णन को 1961 में। एंड प्रथम राजीव गांधी अवार्ड लियंडर पेस को कब दिया गया? तो 1996-97 में दिया गया। प्रथम अर्जुन अवार्ड एंड प्रथम राजीव गांधी अवार्ड ये इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करूंगी टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट की। दोस्तों टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो है टेनिस के हर एक वर्ष में यानी एक साल में चार बड़े टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं हर एक वर्ष। एंड ग्रैंड स्लैम किसे कहा जाता है कि एक वर्ष के चारों टूर्नामेंट को जीतने वाले खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम की उपाधि दिया जाता है। यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन, चार टूर्नामेंट होता है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 से जनवरी के मध्य माह में हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन 1891 से मई जून में क्ले कोर्ट पर, एंड विंबलडन ओपन 1877 से जून जुलाई में ग्रास कोर्ट पर, एंड यूएस ओपन 1881 में अगस्त सितंबर में हर वर्ष हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर, एंड फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। एंड इसमें सबसे पुराना कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है? तो विंबलडन ओपन सबसे जो इंग्लैंड में है 1877 में से खेला जा रहा है। ये सबसे पुराना टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। एंड दोस्तों साल के सबसे पहले कौन सा टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम खेला जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जनवरी के मध्य माह में खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का कौन सा ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट वर्ष के सबसे पहले आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। सबसे अंत में किसको किया जाता है? यूएस ओपन को अगस्त सितंबर में। इसको आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों इसके बारे में टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में डिटेल में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें टेनिस ग्रैंड स्लैम के बारे में पूरी डिटेल में होगा। एंड 2018, 19, 20, 21 में जितने भी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हैं हुए हैं आयोजित, उन सब के विनर के बारे में बताऊंगी। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें सभी कवर किए गए हैं दोस्तों। एंड वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, एंड ग्रुपों में शेयर कीजिए जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिल सके, एंड जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो भी अच्छे से बना सकूँ। एंड दोस्तों यदि आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचता रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।